कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, सब अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से तशरीफ लाए? मैं कराची से आया हूँ। हमें खुशी तब होती है जब हम बोलते हैं मैं कराची से आया हूँ, मैं सऊदी अरब से आया हूँ, मैं दुबई से आया हूँ या बाहर से, बड़ी खुशी होती है। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने महीने से हमें फॉलो कर रहे हैं जी? मैं तकरीबन 14-15 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ। गुस्से में भी थे? दो दफा गुस्सा भी हुआ। क्यों? आपने जगह चेंज की, फीस भी चेंज कर दी। अब आपको पता चल गया? जी तो आप खुद ही बता दें कि हम सबसे कंसेशन भी करते हैं, सबसे रियायत भी करते हैं, जो कोई जो हमें देता है अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ बच्चों की तरह हम रख लेते हैं। यहाँ आके कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कॉपरेटिव लोग हैं, डॉक्टर्स और आपका दूसरा स्टाफ जो है बहुत कॉपरेटिव है, और मुझे लगा मैं अपने लोगों ही मेरे बच्चे, यानी आपको क्लिनिक नहीं लगा, आपको ऐसा लगा कि आप अपनी फैमिली में? ये जो डॉक्टर्स हैं ये मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे अपने बच्चे हैं। सर इनकी बेसिक जो तरबियत है ना, इनको यही रिक्वेस्ट की थी कि आप इंसान बनिएगा, डॉक्टर ना बनिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान बनना मुश्किल है, डॉक्टर तो कोई भी बन सकता है, किसी को बना सकते हैं। इनकी जबान, इनकी लसानियत, इनका इखलाक इनकी पहचान है, मेरा जो हमला है। आप बात करते हैं, आप जो पेन लेके आए थे, आप जो मसला लेके आए थे, वो उसकी रिकवरी क्या है? सब आज दूसरा सेक्शन लिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को 80-90% बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरा पोस्चर टेढ़ा था थोड़ा सा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब सीधा है। और ये दूसरा सेशन आपका फाइनल सेशन है, ये भी बता दीजिए। इसके बाद आपका सेशन नहीं? जी, बिल्कुल जी। दूसरे सेशन पे सर हम उसको बुलाते हैं जो जिनका ज्यादा कोई मामला जो है ना मतलब होता है, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह एक सेशन में हम जो सेशन देते हैं एक सेशन में कंप्लीट हो जाता है। अमले का आपने बता दिया, ये जो बच्चे हैं ये मस्कुलर सिस्टम को फॉलो करते हैं, समझते हैं? जी जी बिल्कुल, इनके ऊपर नॉलेज बहुत ज्यादा है। और बिल्कुल जैसे मैं उधर आया तो डॉक्टर सहमाब ने बोला आपको तो मुझे पोस्चर सही नहीं लग रहा, शायद लग रहा एक साइड में झुके हुए ना, जैसे मेरे को उन्होंने देखा। फिर जब मैं डॉक्टर वकार से मिला यहाँ पर आके उधर, तो इन्होंने मुझे कहा कि आपकी लेफ्ट साइड नीचे है और राइट साइड ऊपर, और वैसे वैसे ही था। कैसा अब बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चल के दिखाएंगे, मुझे चल के दिखाएंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। पहले ऐसे इजी उठ जाते थे? जी नहीं, उठने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, सीधा होने में थोड़ी सी दिक्कत, सीधा खड़ा। आप बैठिए, बिस्मिल्लाह। आप बेहतर फील कर रहे हैं? जी मैं अपना, आप हमारे लिए ना दुआ कीजिए, आप बुजुर्ग हैं, हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इस तरह हमें खिदमत का जज्बा देता है। और हम आमीन, अल्लाह पाक आपको इसी तरह लोगों की खिदमत करने का जज्बा दे, और आप लोगों के साथ माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट भी कर रहे हैं और चैरिटी भी चला रहे हैं, वो भी मुझे पता है, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये मुझे पता है ये चैरिटी भी चला रहे हैं। हम चैरिटी चला रहे हैं बगैर किसी की सपोर्ट के। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम चैरिटी चला रहे हैं बगैर किसी की सपोर्ट के, अल्लाह की सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमें है। हमें मतलब जरूरत नहीं है कि हम लोगों को बताएं, क्योंकि ये हमारे और अल्लाह के निजाम है। यहाँ पे जो गुरबा है, सैयद हैं या उलमा दीन हैं, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस की जाती है, हम उनसे पैसे वैसे नहीं लेते। मैं ये मैंने आपसे बात की थी उस पे, तो आपने मुझे इसका ही जवाब दिया था कि हम तो यहाँ क्या आपने देखा जी, जी कि हम कैसा चला रहे हैं? साफ, एक तो भी सफाई बहुत है, और जो लोग जो है वो आपका अमला जो है वो बहुत ज्यादा डॉक्टर्स भी और दूसरे लोग भी। एक ही जी मेरा विजन एक ही है, मेरा एक मंसूर है कि हम कमाई भी कर रहे हैं, हम सैलरी भी दे रहे हैं अपने डॉक्टर्स को, लेकिन हराम का एक तिनका नहीं हम आने देते। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अल्लाह हमें रिजल्ट दे रहा है बेहतरीन, लेकिन खिदमत की तरफ ज्यादा रागब है हम लोग। मैं आपके मालिक से डॉक्टर वकार साहब से पूछता हूँ कि क्या उन्होंने कमाल कर दिया कि आप पहले तो हमसे कॉल पे लड़ते थे, अब आप माशाल्लाह खुश हैं। अजीज सर कैसे हैं आप? बहुत थैंक यू आप मेरी इज्जत में इजाफा करते हैं, अल्लाह आप लोगों की इज्जत बुलंद करे। सर इनके जब ये आए थे कराची से तो माशाल्लाह ये बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब थे, परेशानी बहुत थी, क्योंकि ये पहले ना बड़ी जगह पे जा चुके थे, तो अल्लाह का शुक्र है कल भी बहुत ज्यादा रिकवर हो गए थे। तो सर कश्मीर गया, उसके अलावा सिंध में एक दो जगह पे लोगों के पास गया, कराची के बेहतरीन सर्जन जो है उनके पास गया, उन्होंने सिर्फ एक ही हाल बोला कि जी अगर आपने इसका ऑपरेट नहीं करवाया तो आप पैरालाइज हो जाएंगे। और अब आपको लगता है कि ऑपरेट करवाना जो उसने नहीं मुझे अल्लाह का यकीन था, और मैं आपकी बातें सुन के कहता था कि शायद ये अच्छे होंगे, और यहाँ आके मुझे ऐसे ही लगा
कि आप लोग वाकई सच्चा कह रहे थे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इंसान सर, खालक हल इंसान अला फी अहसन तकवीम, सबसे पहले इंसान, बाकी सारी बातें बात की हैं। जी सर, जी सर, सर इनके ना एक्चुअली शियाटिका था, इनको बोथ लेग्स में पेन थी और इनके लेफ्ट में बहुत सीवियर किस्म का पेन था, तो अल्लाह का शुक्र है इनका फिजिकल थेरेपी के जरिए हमने ट्रीटमेंट किया है। और तो आपके खराब से तो बहुत मुतासर है जी, वो तो आपकी बात कर रहे हैं कि पहले संभाला। सर ये बहुत बड़ी बात है, आप आम क्लिनिक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मतलब फ्रंट पे कोई भी हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होगा। जी जी, जिस तरह आप लोग कर रहे हैं ये खिदमत भी है और कमाई भी है। क्या तो सफर इन्होंने काफी ज्यादा किया, मैंने कोई चीज मंगवानी थी तो मैं काउंटर पे खड़ा हुआ था, तो जैसे ही एंटर हुए तो मैंने उनको देखे साथ ही, तो इनके आंखों में ना पेशेंट जब कुछ तकलीफ में था उसके चेहरे के तासरात जाहिर है रंजोल पे होते हैं। मैंने से पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से हैं? इन्होंने कहा कराची से। मैंने कहा इतनी दूर से सफर करके आए डायरेक्ट? तो मैंने उनको वेलकम किया, वहीं से मैंने खुद भी इनकी स्लिप वगैरह बनवाई और मैं ले आया अंदर। मैंने कहा आए आप, हम ज्यादा वेट ना करें, आप अंदर आ जाए। उसके बाद फिर मैंने इनको हैंड ओवर किया आफ्टर हिस्ट्री डॉक्टर वकार के पास। उसके बाद फॉलोइंग जो चीजें वो डॉक्टर वकार साहब ने आपको बता दी कि क्या इश्यूज रहे हैं इनके। देखिए जी ये अल्लाह का ही फजल है, इंसान तो कुछ भी ज्यादा साफ नहीं कर सकता। जो मेरे एक्सपर्ट है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी इज्जत में इजाफा कर रहे हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी हूँ। जी डॉक्टर असद साहब, इनसे आपकी मुलाकात। जी सर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि L4-5S1 का इशू था, इसके अलावा पोस्टरल इशू था, मस्कुलर स्पैज़म था, तो हमने सारा मस्कुलर स्पैज़म को रिलीज किया है, जो पोस्टरल डिस्टर्बेंस थी वो उसको हमने ठीक किया है, एडजस्टमेंट किया है। और अच्छा सर मैं माफी चाहता हूँ, ज्यादा साहब अक्सर हमें ना लोग ये ब्लेम करते हैं कि जो आप मतलब एड बना रहे हैं ये सारे पेड है। नहीं नहीं नहीं, मैं कराची से आया हूँ और मेरा नंबर यहाँ पर मौजूद है, अगर किसी ने मुझसे रब्ता भी करना होगा कोई भी हो, चाहे वो मीडिया से हो या कोई किसी और हॉस्पिटल का कोई नुमाइंदा हो, तो मैं हाजिर हूँ अगर किसी भी वक्त चाहे। सर हमें मीडिया की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम मीडिया को अच्छी तरह जानते हैं, मैं खुद मतलब टीवी पे बैठ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो हमारे हकदार लोग हैं ना वो बेचारों को डराया जा रहा है कि यार ये इस तरह है इस तरह, एक्चुअली हकदार से तो हम कुछ लेते ही नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी हमारे पास आए आके कहे मैं हकदार हूं, हम दोबारा कोई वेरीफाई नहीं करते। कोई कहता है मैं सैयद हूं, हम वेरीफाई नहीं करते। कोई बस बात मुंह से निकालेगा। मैंने अपने अमले को पूरे को कहा कि आपने तावन करना है जो भी आए। सर तावन ठीक हुआ है? जी जी, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा आपके अमले को भी। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।